हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई-लर्निंग में आपका स्वागत है। नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस कम्युनिकेशन में पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर हैव बीन ऑफ द टू योर ऑफ द कम्युनिकेशन हैव बीन टू पार्टी, बट फर्स्ट पार्टी ईगो ऑफ द सिस्टम। एक पार्टी पर्सनल व्यक्तिगत रूप से उस कम्युनिकेशन को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, कम्युनिकेशन को पूर्ण नहीं होने देता, या उसकी पर्सनल ईगो टकराती है जिसके कारण वो उसे पूर्ण नहीं होने देता। तो इसके लिए हम फल का आपके लिए कह सकते हैं, बैरियर ड्यू टू रेसिस्टेंस टू चेंज, प्रतिशोध के कारण एक बाधा उत्पन्न होती है। इट इज कॉमन फीलिंग अमंग एम्प्लॉई टू स्टिक टू ओल्ड कस्टमरी पैटर्न लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल। एक ओल्ड कस्टमर आदि का एक व्यक्ति जो भी कोई कार्य करता है, जिस पैटर्न पे वो कम्युनिकेशन है, जिस पैटर्न पे वो अपने वर्क को करता है, तो उसी वर्क को करना चाहता है। न्यू पैटर्न, न्यू कम्युनिकेशन स्किल को एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसे लर्निंग करने सीखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और अपने ही डेवलपमेंट में उसे इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही ऑल द बेस्ट बने रहने। क्योंकि चेंज होने में नई चीजें तो उसे प्राप्त होंगी, लेकिन चेंज होने में वो अपने आप को भी उसे बदलनी पड़ती है, तो वो कोई भी व्यक्ति अपने आप को बदलना नहीं चाहता। तो दिस इज पर्सनल बैरियर आपके लिए होता है। तो वर्किंग सिस्टम दे रेसिस्ट चेंज, डू नॉट वर्क लिस्टेड एनी टास्क, वो बदलना नहीं चाहता है, विच अफेक्टेड ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपके लिए है, लैक ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। लैक ट्रस्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस, द मैनेजमेंट एंड वर्कर आर नॉट हैविंग कोऑर्डिनल रिलेशन, दे आर लैक ट्रस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ ईच, देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट फ्लो फ्रीली ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजमेंट एंड वर्कर ट्रुथ इन ईच अदर डिपेंड अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस, इफ द पास्ट समथिंग was set by party which later provide false and true, then any communication. Communication के अंतर्गत जब भी कोई दो व्यक्ति, अगर upper and lower manager है या employee है, तो वह दोनों एक trust और confidence पर work करते हैं, तो विश्वास में ये बना रहता है कि हम जो subordinate ऊपर से जो confidence subordinate का बना रहता है कि superior को एडवाइज नहीं करते, वो उनसे डिस्कस नहीं करना चाहते, वो हमेशा आपको जैसे सबॉर्डिनेट को हमेशा वो लोअर की निगाह से देखते हैं, उन्हें ये विश्वास होता है कि अच्छा तो नहीं बता पाएंगे, मैं जो हूँ सो ऑल द बेस्ट हूँ, इस आधार पर वो एक छोटे से सबॉर्डिनेट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। और जो एक लैक, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति छोटा भी हो सकता है, लेकिन वर्क के आधार पर डिस्कशन all of the employee, all of the staff, not for the senior and parallel of the junior staff से भी आप उनसे सुझाव मांग सकते हैं। देखिए, कभी कभी गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई भी चीजें चेंज होती हैं, तो अक्सर इसकी इंफॉर्मेशन मार्केट में डाली जाती है, अगर इसके संबंध में आपको कोई बेस्ट सजेशन है तो आप दे सकते हो, तो जूनियर पर्सन भी आपको बेस्ट सजेशन दे सकता है, जिसकी डिस्कशन करिए और उसके आधार पर आप चेंज करिए। जैसे इंडियन रुपीस में आपका पहले सिंबल जो इस्तेमाल होता था, जिसके लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं था, हम आर और यस का इस्तेमाल करते थे, इसी प्रकार से ये आपके लिए इंडियन रुपीस में आरबीआई के द्वारा एक सिंबल इस्तेमाल किया गया, तो ये अब इस्तेमाल आपको की गई, तो ये डिस्कशन ऑफ द पोजीशन। इसके लिए इस सिंबल को कोई गवर्नर ने ऑथराइज नहीं किया, और डिस्कशंस के थ्रू इसको अप्रूव्ड किया गया लिस्ट ऑफ के थ्रू। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस फ्यूचर वुड नॉट बी ट्रस्टेड, हमें फ्यूचर पर विश्वास करते हुए जूनियर को भी विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट आपके लिए आती है कि आपके लिए है लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, सुपीरियर लाइक ऑफ द एबिलिटी कम्युनिकेशन कैन एडवर्सली affected free flow communication, हमेशा superior person जो भी communicate करता है वो affected करता है कि हमारी बातें all the best है और आप इसे मानने के लिए बाध्य हैं, प्रभावित करते ही हैं।
नेक्स्ट है इंटेंशन। इंटेंशन आपके लिए रहता है कि मेनी टाइम रिसीव द मैसेज मे नॉट इंटरेस्टेड इन मैसेज विच सेंडर वांट गिव जनरली स्किप रिपोर्ट सर्कुलर बुलेटिन नोटिस इन ओरल कम्युनिकेशन लिस्ट एंड मे फिजिकल प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। कोई भी रिपोर्ट्स अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो जब स्किप ऑफ द पर्सन इंटेंशन होता है कि सबॉर्डिनेट आपको देता है तो यह ध्यान दी जाती है कि यदि हम फिजिकल रूप से रिप्रेजेंट है तो भी माना जाए, अगर हम फिजिकल रूप से बुलेटिन के रूप में है इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट है तो उसको भी आप एक्सेप्ट करें। लिस्टेन समथिंग ह्यूमन फीलिंग नेचर लिस्टेन ऑफ द इंटरेस्टेड के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आती है पर्सनल बैरियर में, आपके लिए है फियर टू चैलेंज अथॉरिटी। नेक्स्ट आप देख लिए फियर टू चैलेंज ऑफ द अथॉरिटी। एक चैलेंज ऑफ द अथॉरिटी सबॉर्डिनेट के लिए आती है कि सबॉर्डिनेट अपने कम्युनिकेशन को टोटल होल्ड रखता है क्योंकि हो सकता है कि अगर कुछ चीजें मार्केट में लीक हो जाए उसके नीचे जूनियर्स जान जाए तो उसकी बेइज्जती होगी, इसलिए वो कम्युनिकेशन को बाउंड करके रखता है। नेक्स्ट आपके लिए आती है अनविलिंगफुल द कम्युनिकेशन। अनविलिंगफुल कम्युनिकेशन आपके लिए है कि आपके लिए एक्सपीरियंस मैनेजरियल पर्सन है अपने सबॉर्डिनेट से, अब कोई भी चीज को डिस्कशन होता है तो उसको ऊपर उनकी नहीं सुनता है क्योंकि नीचे वाले को हमेशा यह डर बनी रहती है हम उनको सलाह देने जाएं और पता चला वो कहे कि हमें आपकी कोई सलाह की आवश्यकता नहीं है, आप जहां है वहां पड़े रहिए, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो ऑल द बेस्ट वर्क है। तो इस आधार पर या उन्होंने अपनी स्टाफ की जांच की और पता चला कि कुछ हमारे स्टाफ एब्सेंट है, प्रोडक्शन लो हुआ या उनकी, तो उनसे पूछता है अपने जूनियर से क्यों नहीं इनकी सैलरी का डिडक्शन कर लिया जाए, क्यों नहीं इनको पनिशमेंट दिया जाए। तो बिलिंग फिल्म में अब जो पैरेलल स्टाफ जिसके साथ रह रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि हमारे स्टाफ की किसी की सैलरी डिडक्ट हो या उन्हें पनिशमेंट हो, तो ऑलरेडी वह सलाह देने से बचता है। तो अनफिलिंग ऑफ द आपके लिए कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है लैक ऑफ द प्रॉपर इंसेंटिव। प्रॉपर इंसेंटिव का मतलब कि एक चीज तो ध्यान दीजिए, आप कार्य किए तो ठीक है भैया कि मैंने पीठ थपथपाया मैंने किया, लेकिन अगर आपके लिए आता है कि आपका जूनियर आपको वर्क बताए और कंपनी को बेटर प्रॉफिट हुआ, तो इंसेंटिव का अधिकार, प्रमोशन का अधिकार, मेंटल डेवलपमेंट का राइट वह उस जूनियर सबॉर्डिनेट को भी मिलना चाहिए। तो ये है मैं क्यों दूं आपको सलाह, इससे मुझे क्या मिलेगा, अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो मैनेजर कह रहे हो तो मैंने किया, तो ऐसा नहीं। अगर आपका जूनियर स्टाफ के एडवाइस पर अगर वो वर्क होता है तो उसको आपको इंसेंटिव, उसकी प्रॉफिट में शेयर, उसकी आइडिया पर उसे गुड आइडिया के लिए प्रमोट किया जाना अनिवार्य है। आज आपने फुल वीडियो इन द टोटल पर्सनल बैरियर को आपने देखा जिसमें आपके लिए रेसिस्टेंस टू चैलेंज प्रतिशोध की जाती है, हम ट्रस्ट पे वर्क करते हैं, लैक ऑफ द एबिलिटी विश्वास रहती है, इंटेंशन में कोई भी कार्य होता है चाहे वो फिजिकल हो या नहीं, फियर टू चैलेंज चैलेंज अथॉरिटी ऑफ द होल्ड रखती है आपके लिए अनविलिंग फील और लैक ऑफ द प्रॉपर इंसेंटिव को देखा। थैंक सो मच। आप अपने इस चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।